हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल ब्रिक्स फॉर बायोलॉजी पे। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो बच्चों स्वागत है आपका इस चैनल पे ब्रिक्स फॉर बायोलॉजी पे। और 80,000 से बच्चों ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। ठीक है, अब थोड़ी बात की जाए, कुछ सीरियस मुद्दों पर बात की जाए बच्चों। आपकी एग्जाम में टोटल मैं कहूँ तो टोटल 2 महीने बच रहे हैं। आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है हमारे पास 2 महीने, मैं बोलूंगा 57 डेज है। लगेगा कि हाँ कम तो है भाई, 57 डेज है, ऐसे ही बीत जाएंगे। आपको मैं अगर बताऊंगा कि 1368 डेज आपके पास मौजूद है, मिस आर्स के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो टोटल आपके पास 1368 घंटे मौजूद है। अगर आपको मिनट्स के रिस्पेक्ट में बताई जाए तो आपके पास 82,000 मिनट बच्चों मौजूद है आपके पास। मिस टाइम तो आपके पास बहुत ही कम है, ये तो आपको पता चल गया। रिसोर्सेस भी बच्चों आपको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रखने हैं, चाहे रिसोर्सेस वो फिजिक्स के लिए हो, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो बायो के लिए हो। मैं बायो में हमेशा आपको रेफर करता हूँ एनसीईआरटी। आज तक मैंने किसी भी बुक की नाम आपके सामने नहीं ली, बायो में आप एक ही बुक को आप बंद करके रेफर करेंगे एनसीईआरटी। बात आती है 2 महीने बचे हैं, इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है ना, तो पहले बच्चों आप उसे लिमिटेड कर दीजिए। जो भी चीजें एक्स्ट्रा है, मिस अब दिनेश रमेश ट्रुमेंस पढ़ने का वक्त नहीं है, जो भी चीजें फालतू हैं उन्हें किनारे कर दीजिए, रूम से दरकिनार कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उनकी। बात मैं कुछ खास आपके लिए आज करने वाला हूं कि जैसे पूरे अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी ही पढ़ते हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी पे, तो अगर बायोलॉजी की ही बात करूं तो टोटल बच्चों 38 चैप्टर्स हैं आपके पास। टोटल चैप्टर्स की बात करें तो 38 चैप्टर्स हैं। मानो कि मैं सिंपल सा एक चैप्टर मैंने आपको बोला कि Chapter 1 + Chapter 2 मींस द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके मैं आपको 45 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 45 में अभी आपके बच्चों 35 से ज्यादा सही होने चाहिए। बात आती है क्वेश्चंस की क्वालिटी की। क्वेश्चंस हमें बहुत तरह के मिलते हैं, क्वेश्चंस के क्वांटिटी मैटर नहीं करते, क्वेश्चंस की क्वालिटी मैटर करती है कि क्वेश्चंस कैसे क्वालिटी के हैं। अगर लेंथी पेपर हो रहा है वो भी अच्छा है हमारे लिए, अगर पेपर थोड़ा हार्ड सेट किया जा रहा है वो भी अच्छा है हमारे लिए। वक्त आखिरी के बचे हैं तो आप अपने युद्ध ऐसे तरीके से बच्चों इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। कहते हैं युद्ध के लिए पसीने इतने ज्यादा बहाए जाएं कि युद्ध में खून जो है वो कम से कम बहाया जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है। बात आती है क्वेश्चंस कौन से बुक से प्रैक्टिस करें, मार्केट में इतने सारे बुक हैं। मैं कहूंगा जो मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना वो आप प्रैक्टिस करो डेली। मैं बच्चों आपको 45 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा ठीक टाइम 2 बजे। अब बात आती है कि टाइम मैंने 2 बजे ही क्यों चुना, 2 PM का टाइम। आपको पता होगा नीट का जो एग्जाम होने वाला है वो 2 to 5 PM है। मिस आपके माइंड सेट में मैं ये टाइम सेट कर देना चाहता हूँ। और आप सबसे पहले तो एग्जाम में जब 2 से 3 का वक्त चल रहा होगा उस समय तो सबसे पहले तो पेपर आप बायो ही करते हैं, तो बायो को माइंड में सेट कर लो ना आप कि 2 से 3 में मुझे बायो ही करना है। तो बायो का तो एक स्लॉट फिक्स हो गया कि चलो मुझे 1 घंटे में बायो को कंप्लीट करना है और जो उसके 30 मिनट्स बच रहे हैं उसे मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई करना है। तो एक तो टाइम वो सेट हो गया। तो डेली बच्चों 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बायो के क्वेश्चंस। अब बात आती है कि क्या रैंडमली प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल नहीं बच्चों, रैंडमली प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम। जैसे माना कि आज Day 1 है, आज से ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। Day 1 है तो Day 1 डेट कितना है आज, तो आज बच्चों टोटल 6 मार्च है। तो हमारे एग्जाम में टोटल डे कितने बचे हैं, 57 डेज बचे हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने पूरा जो प्लान किया है आपके लिए तो टोटल मेरा यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 3 अप्रैल तक बच्चों, 3 अप्रैल तक आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जा रही है। मींस क्वेश्चन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मींस Chapter 1 + 2, फिर करेंगे हम लोग 3 + 4, फिर करेंगे कंप्लीट Unit 1। ऐसे ऐसे कर बच्चों टोटल हम लोग 3 अप्रैल तक कंप्लीट कर चुके होंगे 11th और 12th के पोर्शन, ठीक है। बात आती है कि डेली के डेली कितने क्वेश्चंस करवाओगे सर, तो डेली मैं बच्चों 45 क्वेश्चंस करवाऊंगा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच। बिल्कुल लाइव प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिलकर, 1 घंटे का सेशन होगा तो 45 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे लेवल के होंगे और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी से निकाले हुए। आप एक झलक देखो ना इसकी, आज ये इसके मैं आपको इस सेशन को और एक्साइटिंग बनाने के लिए बच्चों मैंने प्राइज इसके लिए भी रखा है।
ठीक है, एक्साइटिंग प्राइजेस मैंने रखे हैं कि जो भी बच्चा इसमें फर्स्ट आएगा मैं उसको अपने तरफ से रिवार्ड दूंगा। ठीक है, ये डेली चलेगा, ये डे वन से लेकर डे 57 तक चलेगा। तो ये जुनून भी हमें बना रहेगा कि हाँ अगर हम अपना इनपुट देंगे तो हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला है। एक तो फाइनल आउटपुट आपको 3 मई को मिल जाएगा और डेली इधर से आप मैं आपको आउटपुट देता रहूंगा। तो इससे आप में बिल्कुल इंथुजियाज्म भी बना रहेगा, एनर्जेटिक भी रहेंगे आप, और डेली बस आपको 2 चैप्टर कर कर आने हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, आप इसके चक्कर में पढ़कर भी आओगे पूरा का पूरा। तो ये डेली लाइव मॉक टेस्ट बच्चों हम करने वाले हैं 45 क्वेश्चन का। ठीक है, स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी से ज्यादा जो जरूरी है बच्चों वो जरूरी है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मिस लाखों वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे स्ट्रेटजी के, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आपको बस एक चीज दे दिया जाए ना कि हाँ 2 चैप्टर पढ़कर आओ भाई, 2 चैप्टर में क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, तो ऐसे आप कर लोगे। मुझे जहां तक लगता है कि जब टास्क दिए जाते हैं तो बच्चे कर लेते हैं। तो बच्चों जो आज का 6 मार्च का जो टॉपिक है वो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे रिलेटेड 45 क्वेश्चन, और जो विनर होगा उसे कुछ ना कुछ प्राइज बच्चों मिलेगा। ठीक है, तो आज ये सेशन बच्चों अनअकैडमी पे होगा, क्योंकि अनअकैडमी और यूट्यूब में दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बता दूं। अनअकैडमी पे बच्चों स्पेशल क्लासेस चलती हैं, जो डेमो वीडियोस आप देखते हैं वहां पे स्पेशल क्लासेस में। तो स्पेशल क्लासेस में आप देखते हैं बच्चों पोल का ऑप्शन होता है आपके पास, मीन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं ए बी सी डी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है स्पेशल क्लास बच्चों चलेगा। आप पूछोगे क्या इसकी कोई कॉस्ट है, तो बच्चों इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए 57 डेज तक चलेगा। आप मेरे चैनल से कर ही रहे होंगे सारा काम, एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज, क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज, पीवाईक्यूज भी पढ़े हैं बहुत सारे, ये तो कर ही रहे होंगे आप, तो ये सब चीजें तो आपके लिए कर ही रहा हूं मैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है बीट्स फॉर बायोलॉजी, उस पर आपको अपडेटेड सिलेबस मिलते रहेंगे कि नेक्स्ट 7 मार्च को कौन सा सिलेबस है, 8 मार्च को कौन सा है, और मैं आपको वीडियो के नीचे बच्चों लिंक दे दूंगा जो आज क्लास है ना 2 PM से। तो 2 PM में बिल्कुल माइंड सेट कर लो आप कि 2 PM में मुझे टेस्ट देना है डेली बायो का 45 क्वेश्चन, ये डेली बच्चों चलेगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको ओवरऑल बता दिए कैसे आपको ये काम करना है, आप समझ चुके होंगे पूरा का पूरा काम। लास्ट के 57 डेज बचे हैं, चाहे तो इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो, नहीं तो फिर अगले साल के लिए करते ही हैं बच्चे तैयारी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका साल पे साल बर्बाद हो। कब तक ऐसे ही रहोगे यार, कब तक, मीन्स 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, कईयों के तो 5-5 साल हो चुके हैं। मैं नहीं करना चाहता ये सब, लेकिन अभी भी अगर वही चीज गलतियां कर रहे हो जो पिछले साल दोहराए थे तो मतलब नहीं रह जाता ना। मैं 3 अप्रैल के बाद बच्चों पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा आपको, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सब कुछ तो मैं लेकर चल रहा हूं ना। लेकिन हाँ, आपसे बस एक चीज चाहता हूं मैं कि चैप्टर नंबर 1+2 कर आइएगा। आज 2 बजे से सेशन स्टार्ट है ये, इसके बाद 3+4 करेंगे, फिर कंप्लीट यूनिट 1 करेंगे, मिस 1, 2, 3, 4, ऐसे ही बच्चों ये सेशन हमारे लिए चलता रहेगा। तो डे 1 से डे 57 तक की पूरी तैयारी है, एग्जाम में 57 डेज बचे हुए हैं बच्चों आपके पास। नीट 2020 ये आखिरी बच्चों ये टाइम होना चाहिए कि नीट 2020 को 3 मई के बाद मुझे नीट के एग्जाम में कभी नहीं बैठना, नीट यूजी में। अब बैठना है तो डायरेक्ट नीट पीजी के एग्जाम में बैठेंगे जब एमडी और एमएस का एग्जाम दे रहे होंगे। तो 3 मई 2020 जो संडे का दिन है तो मेरे लिए फाइनल बैटल होगा, उसकी तैयारी आगाज कर दीजिए। अगर आपने नहीं भी किया है ना, अभी भी मैं कह रहा हूं कि बायो में बच्चों आपके 340+ आ सकते हैं, बस आपको अपने तरफ से मेहनत करनी है, जी जान लगाना है। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उसका डबल आपको बच्चों करना है, तो आप ऑप्टेन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये संडे को जो एग्जाम है 2 से 5 बजे का, तो डेली 2 से 3 बच्चों हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां से जाइए और आज सेशन अटेंड कीजिए 2 बजे का बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं हम क्लास में ही। थैंक यू।